त्योहार के मौसम में महंगाई खास तौर पर खाद्य तेल की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको मायूसी होगी, क्योंकि खाद्य तेल की कीमतों में अगले साल फरवरी तक कमी आने की उम्मीद है। वहीं सरकार का कहना है कि प्याज की कीमत नियंत्रण में है। खाद्य मंत्रालय में सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरसों के तेल का उत्पादन करीब 10 लाख मेट्रिक टन बढ़ा है, इससे आपूर्ति बढ़ेगी और फरवरी तक सरसों के तेल की कीमतों में कमी देख सकेंगे। उन्होंने कहा है कि अन्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने की वजह से खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं, सरकार कदम भी उठा रही है। सुधांशु पांडे का कहना है कि त्योहार के दौरान दामों में इजाफा नहीं हो, इसके लिए मंत्रालय लगातार राज्यों से मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। इनमें पाम तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य किया गया है, जो कि मार्च 2022 तक लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।